रेणुका शुगर के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टैंड लोन बेसिस पे रिजल्ट। यहाँ पे डेटा आपको मिलियन में देखने को मिलेगा। अब देखेंगे इनकम कितनी आएगी, 2,917 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में 3,312 करोड़ की, एक साल पहले 2,028 करोड़ की, सॉरी 2,289 करोड़ की इनकम यहाँ पे जनरेट होते हुए देखने को मिली थी। यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनकम आपको क्वार्टर क्वार्टर कम देखने को मिल रही है और साल दर साल ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक्सपेंस देखते हैं तो एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर कम है, साल दर साल एक्सपेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लॉस देखेंगे कंपनी को इस बार हुआ है 148 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ का लॉस था, एक साल पहले 10 करोड़ का लॉस था। तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टर क्वार्टर पर भी, साल दर साल पर भी। ठीक है, लॉस फाइनल लॉस देखेंगे तो वो भी ज़्यादा है क्वार्टर क्वार्टर पर भी, साल दर साल पर भी। यानी स्टैंड लोन बेसिस पर जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं है। अब हम देखते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का रिजल्ट। तो जैसा कि आप यहाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे भी देख सकते हैं मिलियन में डेटा आपको शो होगा। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे कंपेयर करके तो इनकम देखेंगे तो इनकम क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे कम देखने को मिल रही है, साल दर साल इनकम ज़्यादा देखने को मिल रही है। कहाँ गया, बात करते हैं एक्सपेंस की तो एक्सपेंस आपको क्वार्टर क्वार्टर कम देखने को मिल रहा है, साल दर साल ज़्यादा देखने को मिला है। लॉस देखेंगे लॉस बिफोर टैक्स तो क्वार्टर क्वार्टर लॉस ज़्यादा है, साल दर साल भी लॉस ज़्यादा है। फाइनल लॉस आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वो भी ज़्यादा देखने को मिला है क्वार्टर क्वार्टर पे भी, साल दर साल पे भी। यानी कंपनी के जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं है, स्टॉक में गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कैसा, यहाँ पे चार्ट कैसा दिखा रहा है, यहाँ पे स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे एजुकेशनल कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। अब देखिए सपोर्ट की बात करते हैं क्योंकि स्टॉक में गिरावट होने की संभावनाएं हैं, 46 तक स्टॉक आ सकता है। अगर ये स्टॉक सीधा 46 पे खुलता है तो यहाँ पे रिकवरी भी आ सकती है। जो लोग पहले से यहाँ पर ख़रीद के बैठे हुए हैं, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि होता क्या ना, रिजल्ट जब ख़राब आते हैं स्टॉक नीचे भले ही जाता है लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर भी करके वापस कमबैक करता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर स्टॉक मिलता है 44 के आसपास और थोड़ा बहुत क्वांटिटी उठा भी सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर देखेंगे अब की बार तो कुछ खास बोला नहीं है, अगले बजट में ज़रूर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक उस टाइम अच्छा परफॉर्म कर सक मतलब करने की चांसेस रहेगी। अगर मैं इसका टाइम फ्रेम 1 वीक का करूँ तब आपको यहाँ पर दिखेगा कि बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन हो रहा है। स्टॉक जो है 39 से लेकर के 63 की रेंज में है और इसके नीचे नहीं आ रहा है। तो अगर ये स्टॉक इस रेंज पे मिलता है ना 39 के आसपास तो बहुत अच्छा मौका रहेगा बाय करने का अकॉर्डिंग टू टेक्निकल। इसके टारगेट की बात करें तो मेरे हिसाब से 100 तक टारगेट आपको 2 से 3 साल में ज़रूर देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।